हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में आज आपका थर्ड डे है, यानी कि तीसरा दिन है। इसमें आप आईब्रो के साथ साथ आज मैं आपको आईब्रो के साथ साथ अपर लिप और फोरहेड भी करना बताऊंगी कि आप किस तरह से कर सकते हो। तो धागा तो हम उसी तरह से लेंगे, पहले इस तरह से फोर पे दबा लेंगे और 6, 7 या 8 राउंड लेंगे इस तरह से। और ये जो कैची है आप बिल्कुल ध्यान से देखना, इस बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मैं इनका जैसे आप देखो, इनका उल्टा हाथ ऊपर रहेगा और सीधा हाथ नीचे की तरफ। अब हम एक एक करके बाल इस तरह से निकालेंगे और आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको बिल्कुल आईब्रोज बनाना और फोरहेड और अपर लिप सब कुछ आपको आराम से आ जाएगा। बिल्कुल मैंने ये बहुत जूम करके बनाया है, तो इसमें आप देखोगे एक एक करके बाल को हम निकालेंगे। और मैंने इससे पहले 2 वीडियो और डाले हैं, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। अब ये आप देखो धागा मैं किस तरह से फंसा रही हूँ इसी कैची में। एक पहले धागे से बाल को आगे की तरफ लाएंगे और फिर आराम से करेंगे। ये मैं सीधे हाथ की तरफ की आईब्रोज बना रही हूँ और इसमें मैंने आपको बताया भी। अब ये आप देखो बीच में कैसे करें, बीच में करने के लिए बिल्कुल तिरछे को धागा को तिरछा रख देंगे और इस तरह से बीच की निकालेंगे। अब आप देखो फोरहेड के किनारे का मतलब आईब्रो के ऊपर का बाल ये निकालें, क्योंकि फोरहेड करना है। तो अब फोरहेड आधा फोरहेड कर देंगे, फिर हम दूसरे आईब्रोज बनाएंगे। आप चाहो तो पहले आईब्रोज बना लो उसके बाद फोरहेड करो। फोरहेड बनाने के लिए क्या करते हैं कि आईब्रोज के जहाँ तक आईब्रोज आपकी जाती है, मतलब क्लाइंट्स की जाएगी, वहाँ तक के बाल निकालेंगे। माथे के पूरे बाल निकाल देंगे और एक एक करके। अब हम जब इधर की आईब्रो बनाएंगे तो अब आप देखो राइट हैंड में जो है क्लाइंट्स का ऊपर की तरफ रख पाएंगे, है ना, ऊपर से पकड़वाएंगे और उल्टा हाथ नीचे की तरफ से उनको पकड़वाएंगे। अब ये आप आईब्रो देखो इनके बहुत कम लाइट बाल हैं और बहुत ही कम है, तो आप कैसे करोगे। तो एक एक बाल लो आप देखो, जैसे ये कैंची में हम किस तरह से एक धागे में एक एक बाल को फंसा रहे हैं, आप आराम से सीख जाओगे। और स्किन को टाइट करवाना है, स्किन को टाइट करवा लेना है। जैसे स्किन टाइट रहेगी तो आप आराम से बाल को निकाल पाओगे। अगर आपका जो क्लाइंट्स है जिनके आप आईब्रोज कर रहे हो, अगर वो ढंग से नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप लोग कहते हो ना कि स्किन लूज है किसी की तो क्या करें, तो आप किसी की मदद ले सकते हो। तो वो नीचे से पकड़ सकता है या ऊपर से स्किन को खींच सकते हैं। स्किन को टाइट खींचना है, अगर स्किन टाइट रहेगी तो बिल्कुल आराम से बाल निकलते चले जाएंगे। अब आप ये देखो कि एक एक बाल मैं किस तरह से निकाल रही हूँ और बिल्कुल आप देखो इस जो कैंची है इसमें बाल को फंसाया और निकाल दिया, ये देखिए इस तरह से। तो आपको ये आज जो मैंने वीडियो बनाया है ना, बिल्कुल 3D करके बनाया है कि बिल्कुल जूम करके, कि आपको आराम से एक एक चीज़ समझ में आ जाए रोया कैसे निकाला जाता है। तो ये देखिए मैं फोरहेड का निकाल रही हूँ और फोरहेड का बाल क्लाइंट्स के हिसाब से है कि मतलब जैसे अब आप ऊपर का बाल देख रहे हो ना, वहाँ का वो नहीं निकालेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा ही चौड़ा हो जाएगा। और ये बस इतना क्लीन कर देंगे, ज़्यादा ऊपर तक माथे को नहीं साफ करेंगे, फिर वो गंदा लगेगा। जैसे ये ऊपर का आप देख रहे हो, बिल्कुल ऊपर का छोड़ देंगे और इधर का ऊपर से जहाँ पर का मैं निकाल रही हूँ बस वहीं का निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऊपर निकाल दोगे तो फिर आईब्रो का शेप अच्छा नहीं आएगा। अब ये इनके आप देखो आईब्रोज बन गई है और जो भी थोड़ा बहुत क्लीन करना होगा तो वो क्लीन कर देंगे, वैसे इनका आईब्रो का शेप आ गया है। अगर इनके आईब्रो में बाल कम थे, अगर और ज़्यादा शेप देती तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती, तो पतली नहीं करनी। अब अपर लिप की बारी आती है। अपर लिप में क्या करना है, आपको क्लाइंट्स से कहना है जिनकी भी आप अपर लिप बना रहे हो उनसे कहो कि थोड़ा फेस को फुला लें और जीभ अंदर की तरफ लगाएं इस तरह से और आराम से एक एक बाल निकालें। अब जब बिल्कुल लिप्स के ऊपर यानी होंठ के ऊपर निकालने होते हैं तो ये जो कैंची है आपका धागा है इसको बहुत छोटा कर लेंगे और इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। और आप कहते हो कि धागा बहुत ज़्यादा टूट जाता है तो आप धागे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, उसको खींच के नहीं रखना है कि बहुत जैसे कि खींच के रखें, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लूज रखना है। अब आप देखो होंठ के ऊपर का कैसे मैंने बनाया और ये नाक के पास थोड़ा क्लाइंट्स को लगता है, तो बहुत आराम से धीरे धीरे बनाएंगे। और ये स्किन को जहाँ का भी आप बाल निकाल रहे हो, मान लो आप अपर लिप का बना रहे हो, आईब्रो का बना रहे हो, स्किन को अच्छे से टाइट करो, यानी कि खूब कसी हुई हो तो आप देखोगे। अब देखो इनका अपर लिप हो गया, बहुत इजी था, और ये आईब्रो का शेप था, ये हमने आईब्रो का शेप किया है। तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। अब आप इनकी आईब्रो देखो, इनकी आईब्रो भी बड़ी तिरछी सी आईब्रो, अब ये उल्टा हाथ रख दी तो मैंने इनको सीधा करा। हमेशा आईब्रो बनाते समय लेफ्ट हैंड जो बायां हाथ है वो ऊपर की तरफ स्किन खिंचाएंगे, सीधे हाथ की तरफ अगर आप
आईब्रो बना रहे हो, सीधे कंधे की तरफ के आप आईब्रो बना रहे हो, तो लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा और राइट हैंड नीचे की तरफ से क्लाइंट्स को स्किन को टाइट से खिंचवाएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, और आप अपनी फ्रेंड्स को भी बताइए कि ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सीमा जेटली चैनल पर कराया जा रहा है। भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग पूछते हो कि कैसे करें, तो प्रैक्टिस आप पहले आप अपर लिप से शुरू करो, फोरहेड से शुरू करो, और आप जो है पहले एक पेपर ले लो, और जो मेरे वीडियो दो मैंने डाले हैं ना वो आप पहले देख लो, उनका जो है मैं लिंक भी नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप ऊपर कार्ड भी देख लेना, तो वो दोनों वीडियो देखो उससे और ये वीडियो, तो आपको बिल्कुल आपको आईब्रोज बनाना बिल्कुल आसानी तरीके से आ जाएगा। अब आप देखो ना, इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं ना, उसको क्लीन कर देंगे तो शेप बहुत अच्छा आ जाएगा। और उठाने के लिए हम बीच से उठाएंगे आईब्रो को शेप देने के लिए, नीचे से बीच से इस तरह से बाल निकालेंगे, तो ये जो इसमें निकाल रही अब आपने देखा यहाँ से, और धागे से पहले बाल को आगे की तरफ कर लेंगे और एक एक बाल करके निकालेंगे। जब बीच से निकालते हैं ना तो ऊपर से उठी हुई आती है, और बस आराम से आप एक ही एक बाल को निकालोगे, आप ये नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में दो तीन बाल निकालो तो फिर शेप ख़राब हो जाएगी। एक एक बाल निकालते जाओ, आपको शेप खुद समझ में आ जाएगी। अब जब हम दूसरी तरफ की बनाएंगे तो उसमें भी यही करेंगे कि सीधा हाथ ऊपर और उल्टा हाथ हम नीचे रखेंगे, तो चेंज कर देंगे। अब आप देखो किनारे से एक एक बाल को लेंगे और बिल्कुल आसानी से निकालते चले जाएंगे। इतनी आसान तरीके से मैंने बताया, अब तो आपको आईब्रोज बनाना अच्छे से आ गया होगा। मैंने कहा था अगर आप कहोगे कि तीसरा वीडियो आईब्रो का बना दो तो तीसरा भी मैं बना दूँगी। अब इस कैची में हमने देखो ये बाल को आगे किया और ये फंसाया और फिर निकाल दिया, है ना इजी। अगर आप धागे से नहीं कर पा रहे हो तो आप उंगली की मदद ले लो, जैसे मैंने किया ना उंगली से, इस तरह आप उंगली की मदद ले लो, उंगली से बाल को थोड़ा सा इधर आगे की तरफ कर दो तो वो सारे बालों से अलग हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे सारे बालों से वो बाल अलग हो जाएगा तो वो आपको निकालने में ईजी हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा उंगली से इधर बाल को कर दो या धागे से की मदद से आगे पीछे कर दो तो वो धागा से बाल जो है वो और बालों से अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप ये यहाँ पर इनके बाल नहीं है, ठीक है, जहाँ मैंने आपको उंगली से दिखाया वहाँ इनके बाल नहीं है तो वहाँ पर छोड़ देंगे, और क्योंकि इनकी आईब्रोज भी थोड़ी, तो ऐसे ही मैंने आज आपको दोनों आईब्रोज दिखाई जो बहुत हल्की हैं और इनकी सेंसिटिव भी स्किन है। आप जैसे देखो तो बहुत टाइट करके आप देखा ना आपने, जहाँ मैंने आपको उंगली करके दिखाई थी वहाँ इनके बाल ही नहीं थे ऊपर की तरफ, है ना, तो उसमें बिल्कुल छोड़ दिया। अब आपको लग रहा है थोड़ा सा तो आप फिर टाइट करो और एक बाल इस तरह से निकाल देंगे, आपको शेप में लग रहा है तो बस बहुत ज़्यादा इजी है, आप आराम आराम से बनाओ। और भी मेरे पहले के भी वीडियो पढ़े हैं आप उनको देखो, आईब्रो में आपको शेप देना आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताइएगा। और कैंची से जो कट करेंगे बिल्कुल आगे के बालों को करेंगे और कैंची बिल्कुल सीधी रखेंगे, सीजर को बिल्कुल सीधी रखेंगे और आगे के जो एक दो बाल खड़े होते हैं ना उनको निकाल देंगे। अब आप ये देखो आईब्रो की शेप बन गई, और जो उधर थोड़ा सा खालीपन था वो तो रहेगा ही, लेकिन आईब्रो की शेप अच्छी आ गई क्योंकि ज़्यादा फिर पतली हो जाती और इस तरह से ठीक लग रही। अब हम मसाज कर देंगे और एंटीसेप्टिक कोई क्रीम लगा देंगे, एस्ट्रोजन लोशन जरूर लगाएंगे। रेडनेस किसी किसी के हो जाती है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। जैसे आप इनकी स्किन सेंसिटिव है आप देख रहे हो, थोड़ा सा स्किन इनकी रेड हो गई, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगी। एस्ट्रोजन लोशन और एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो। अब जैसे आप इनका शेप देख रहे हो, अब हम इनका भी अपर लिप बनाएंगे, तो आप देखो अपर लिप बनाने के लिए क्या करूँगी कि स्किन को टाइट करवाऊंगी और उसमें धीरे धीरे धागे से बालों को फंसाऊंगी, और बहुत धीरे धीरे करना है और धागे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कर रखना है। तो मैं इस तरह से आपको ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स करा रही हूँ, और मैं मंडे को 3 बजे लाइव भी आती हूँ, और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं जिससे आप ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कर सकते हो और उनसे सीख सकते हो और अपना पार्लर खोल सकते हो। बहुत अच्छा है, आप मेरे वीडियोस देखिए सीखिए, और काफ़ी इजी इजी तरीके से मैंने सारी टेक्निक बताई है, जैसे मेकअप है, हेयर कट है, सब कुछ। तो देखा आप अपर लिप को इस तरह से टाइट करा लेंगे, अंदर की तरफ लिप्स को होठों को दबवा लेंगे और बाल इस तरह से निकालेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सीमा जेटली के नाम से। थैंक यू।